for more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss a video. बहुत अच्छा था. इट वॉज वेरी ग्रिपिंग. एंड तक इट वॉज श्रीदेवी ऑल ओवर. द फिल्म वॉज ऑसम. श्रीदेवी प्लेड अ वेरी गुड कैरेक्टर. बट इट्स अ लॉन्ग कम बैक, सो शी माइट टेक नेक्स्ट फिल्म टू कम बैक. परफॉर्मेंस बहुत माइंड ब्लोइंग है. सारे एक्टरों की माइंड ब्लोइंग है, एक्ट्रेस की माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस है. Acting was very good. I mean, I loved it. It's amazing. The process was also amazing and it's amazing. Title था मोम, बट सिर्फ श्रीदेवी की फिल्म नहीं थी, बाकी सभी की फिल्म थी. जितने भी आर्टिस्ट थे उसमें सभी की फिल्म थी, सभी ने बहुत अच्छा काम किया. या द मूवी इज गुड. होप दिस थिंग हैपेंस इन रियलिटी आल्सो. श्रीदेवी के बारे में क्या कहना चाहिए? कितना अच्छा लगा उनका परफॉर्मेंस और कितना कनेक्ट किया एज एन ऑडियंस? कनेक्टिंग वाज नॉट दैट मच, बट शी वाज टू नेचुरल एज अ मॉम एंड सीइंग हर ऑन स्क्रीन इज ऑलवेज प्लेजर. या मतलब श्रीदेवी की एक्टिंग बहुत अच्छी है, माइंड ब्लोइंग है. बट ये बहुत प्यारे तरीके से कहानी, मतलब वही मैं स्टोरी लाइन सिंपल है जैसे शायद मात्र की भी थी, बट स्क्रीन प्ले हर सीन आपको होल्ड कराता है, एंटरटेन करता है. और मेरे लिए एक मदर डॉटर रिलेशनशिप जो बिगड़ी हुई है और लास्ट में जाके वो जो रिजॉल्व होती है, मेरे लिए फील गुड फिल्म. श्रीदेवी की परफॉर्मेंस भी अच्छी है. शी इज ऑलवेज बीन गुड. नवाजुद्दीन सिद्दीकी माइंड ब्लोइंग एक्टर है. जिस भी मूवी में आते हैं आधे से ज़्यादा क्रेडिट तो नवाज ले ही जाता है. नहीं नहीं, रुलाया मतलब इमोशन का मतलब आंसू ही नहीं होते. इमोशन का मतलब हाँ कि आप बाकी सब भूल जाते हैं और एकदम खो जाते हैं. तो हाँ, फिल्म एंगेजिंग थी. एक रिलेशनशिप की फिल्म थी. फैमिली, मैं एक फैमिली देख रहा था. फिल्म में जो एक फैमिली दिखाई है वो मुझे दिख रही थी. मैं उसे फील कर रहा था, उनका खुशी उनका दुख मुझे फील हो रहा था. इट्स 5 3.5 stars, that's all. 4.5. Thank you. 4.5. 3.5. Thank you. Thanks for the points waving.